गौरव, इसमें कौन सी गति हो रही है? ना तो इसमें स्थानांतरित गति हो रही है, ना तो वृत्तीय गति हो रही है, ना तो सरलरेखीय गति हो रही है। इसमें कौन सी गति हो रही है? तुम बताओ नीना, कौन सी गति हो रही? दीदी, इसमें ना तो स्थानांतरित गति हो रही है, ना तो वक्रताकार गति हो रही है। इसमें कौन सी गति हो रही है? दीदी, ये तो गोल गोल जा रहा है। हाँ, गोल गोल जा रहा ना शस्ते। इसमें घूर्णन गति हो रही है। जी, जब कोई वस्तु, इसमें जो चरखा है तुम्हारा, इसमें गति हो रही है घूर्णन गति। ठीक है जी दीदी। जब कोई वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती रहती है परंतु अपना स्थान नहीं बदलती, तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है तो इसकी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, परंतु वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है। जब कोई वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है तो इसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक उदाहरण तुम लोग हमें बताओगे जिसमें घूर्णन गति भी होती है और स्थानांतरी गति भी होती है। सोच के बता ना भाई। दीदी हम बताएं? हाँ हाँ दीदी, साइकिल का पहिया। साइकिल का पहिया, ठीक है। वो अपने रामू काका जो बैलगाड़ी से अनाज ले जाते हैं शहर, उनकी बैलगाड़ी का पहिया। जी दी। ठीक है ना। तो साइकिल के पहिए में कौन सी गति होती है? साइकिल का पहिया अपने धुरी के चारों ओर घूमता है जी दी। तो घूर्णन गति होती है जी दी। और एक, हाँ, पृथ्वी में भी होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, इसलिए उसमें स्थानांतरी गति भी होती है। ठीक है। घूर्णन गति भी हो रही है उसमें और स्थानांतरी गति भी हो रही है। अच्छा, घूर्णन गति का कोई उदाहरण नहीं बताया तुम लोगों ने? जैसे दीदी अपने रामू कुमार जी का। नहीं नहीं, जैसे पंखा, पंखा नाश्ता हुआ पंखा। ठीक है। कुम्हार का चाक, कुमार का चाक भी तो गोल गोल घूमता है। घड़ी की सुइयों की गति। देखो तुम्हारे इस खिलौने में घड़ी बनी हुई है ना गौरव? देखो इसकी सुइयों में घूर्णन गति होती है। ठीक है। ये अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। ठीक है। तो इस सुइयों की गति कैसी हो रही है? घूर्णन गति हो रही है। ठीक है। और घूर्णन गति और स्थानांतरी गति का उदाहरण तुमने कहा साइकिल का पहिया जी दी, और मोटर का पहिया, कुछ भी कह सकते हैं, बैलगाड़ी का पहिया। सृष्टि तुम अपनी गाड़ी लाओ जरा, ये देखो जैसे सृष्टि के गाड़ी का पहिया है ना जी दी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है, इसके स्थान में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसके पहिए अपनी धुरी के चारों ओर घूमते भी। ठीक है। तो इसके पहियों में स्थानांतरी गति भी हो रही है और घूर्णन गति भी हो रही है। अब एक उदाहरण हम तुम लोग को बताते हैं जिसमें घूर्णन गति भी होती है और वृत्तीय गति भी होती है। जी। नीना जरा एक ग्लोब उठाओ तो। जी। देखो सृष्टि, ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। अभी हमने तुम लोगों को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है जी दीदी, है ना? जी कैसे मार्ग में? वृत्ताकार मार्ग में। जी दीदी। तो हमने पृथ्वी की गति को कहा था कि ये वृत्ती गति करती जी दीदी। इसी के साथ पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती भी रहती, अपनी धुरी पे घूमती है ना जी दीदी। तो पृथ्वी घूर्णन गति करती है और वृत्ति गति भी करती है। ठीक है। इसको नीने रख दो उधर उठा के। शाबाश। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वृत्ति गति भी करती है और घूर्णन गति भी करती है। ठीक है। अच्छा, आप बताओ कि अब तक के हम लोगों ने कितनी गतियों के बारे में जाना? दीदी जी शुरू से बताना एक एक करके। सृष्टि तुम बताओ। दीदी जी स्थानांतरी गति
शाबाश, स्थानांतरी गति, सरल रेखीय गति, तुम बता देना, गाल गति, वृत्ताकार गति, वक्री गति, वक्री गति। हाँ, तो इसको ना सबसे पहले हमने पढ़ा था स्थानांतरी गति। स्थानांतरी गति कितने प्रकार की बताई थी? दो प्रकार की। पहली थी सरल रेखीय गति, दूसरी वक्र रेखीय गति, और तीसरी हमने गति बताई थी वृत्ताकार गति या वृत्ती गति। ठीक है, और आज हम लोगों ने पढ़ा घूर्णन गति के विषय में, है ना। दूसरी कौन सी पढ़ी? पहिए में कौन सी गति बताई थी? स्थानांतरी गति और नीना घूर्णन गति। घूर्णन गति भी हुई थी और स्थानांतरी गति भी हुई थी। और एक उदाहरण हमने बताया था ग्लोब वाला। हाँ, ग्लोब वाला पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, वृत्ताकार भी और घूर्णन गति भी। पृथ्वी वृत्ताकार गति भी करती है और घूर्णन गति भी। ठीक है, अच्छा तुम लोग को गति के बारे में समझ में आ गया? जी जी, आप घर जाके इसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है।